बहुत स्वागत करता हूं टेक न्यूज के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में और एक बार फिर लाया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पर सबसे पहले पुराने पोल की, जहां पर सवाल आपसे ये था कि आप सभी लोग एक एंड्रॉइड यूजर हैं या फिर आप लोग एक आईफोन यूजर हैं। तो दोस्तों आप में से 85% लोगों ने कहा भाई मैं तो एंड्रॉइड यूजर हूं और 40% लोगों ने कहा भाई मैं तो आईफोन यूजर हूं। तो दोस्तों आज का सवाल आपसे ये है कि भाई आप सभी लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, इन तीनों में से आप सभी लोग क्या यूज कर रहे हैं, बताइएगा अपनी राय यहाँ ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में। और सारी बातों को मिलाकर दबा दो उस लाइक बटन को, थोड़ा प्यार से दबाना यार, क्योंकि इस समय मेरे पास ये लाइक नहीं पहुंच पा रहा है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अपडेट की, निकल कर आता है गूगल पे को लेकर। और दोस्तों यहाँ पर गूगल पे बन चुका है इंडिया में सबसे नंबर वन पर। कहने का मतलब है कि इस समय इंडिया में गूगल पे सबसे ज्यादा यूज कर रहा है, यानी कि फोन पे और पेटीएम जहाँ पर कुछ दिन पहले कुछ साल पहले कुछ पहले सबसे पहले नंबर पर चल रहा था, लेकिन यहां पर गूगल पे सबसे ज्यादा यूज कर रहा है इंडिया में, यानी कि लिस्ट में इस समय सबसे पहले नंबर पर है गूगल पे। अब देखना यह है कि ये जो पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे को कब पीछे छोड़ता है। दोस्तों बात करते हैं यहां पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है हुआवे को लेकर। और दोस्तों फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है हुआवे P30 लाइट स्मार्टफोन। यहां पर हुआवे ने इसको लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्रीन 710 प्रोसेसर, और यार ऊपर की तरफ यहां पर छोटा सा आपको एक नॉच मिल रहा है, तो वही यार काफी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर इस समय आप लोग जानते हैं कि यार नॉच इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। किसी से पूछो तो वो यार बार बार यही कहता कि भाई मुझे स्मार्टफोन चाहिए, तो सिर्फ नॉच नॉच नॉच। अब देखते हैं कि आगे क्या नया नया चीज लेकर आता है हुआवे। हालांकि यहाँ पर हुआवे का जो P30 स्मार्टफोन है काफी अच्छा मुझे लग रहा है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को लेकर। अगर दोस्तों आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं तो 30 अप्रैल के बाद आप इन तीनों यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप यूज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास विंडोज का फोन है तो आप इन तीनों चीज का अपने इन तीनों चीज का यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास है विंडोज का फोन। दोस्तों बात करते हैं पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है Realme U1 को लेकर। और दोस्तों यहां पर Realme U1 का एक नया वेरियंट आया है, जिसमें आपको 3GB रैम और 64GB वेरियंट वाला जो स्मार्टफोन है यहां पर लाया है, यानी कि यहां पर कुछ इसके पोस्टर्स भी लॉन्च यहाँ पर Realme ने किया है। प्राइस की बात करें तो इसमें आपको मिल रहा है 10,999 रुपए का, यानी ये स्मार्टफोन Realme U1 का। हालांकि Realme U1 का एक स्मार्टफोन पहले यहाँ पर Realme ने लॉन्च कर दिया है, यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है Realme U1 का न्यू वेरिएंट है। तो भाई प्राइस तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। प्रोसेसर की बात करें तो भाई प्रोसेसर इसमें आपको Helio P70 प्रोसेसर, और वही जो पुरानी रीति रिवाज है यार इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन इसके बारे में आपको पता है। फाइनली यहाँ पर Realme U1 ने यहाँ पर अपना जो Realme U1 स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है Jio 4G फोन को लेकर। और दोस्तों Jio 4G फोन ने यहाँ पर जियो ने इतना ज्यादा इंडिया में भेज दिया कि भाई यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने टेक न्यूज में बताया था कि जियो के जितने सारे यूजर्स हैं 2018 में सबसे नंबर वन पर चल रहे थे, तो यहाँ पर भी देखिए भाई नंबर वन पर आ गया है जियो का जो फोन होता है Jio 4G फोन, वहाँ पर सबसे पहले नंबर पर यहाँ इंडिया में आ चुका है, यानी कि सबसे ज़्यादा अपना जो ये फोन है Jio 4G फोन सबसे पहले नंबर पर आ चुका है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला फोन इंडिया में बन चुका है। तो दोस्तों यार आज की इस वीडियो में यही इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही इतना ही।